The diagram shows combination of the three cubical space 1, 2 and 3. ठीक है, तीनों लिखे हुए हैं. स्पेस 1 एंड 3 कंटेन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन. स्पेस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है. स्पेस 1 एंड 3, 3 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी. एज शोन यानी कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो सकता है, ये फील आना चाहिए आपको. वाइल स्पेस 2 इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है डॉट, ठीक है ना. मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब एक्सेलरेट तो होगा नहीं, ओनली डायरेक्शन चेंज हो गई. ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम इज प्रोजेक्टेड एज शोन, ठीक है. यहाँ से एक पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, पेन कहाँ चला गया, ये रहा चार्ज क्यू मास एम विद वेलोसिटी तेरे को दे रखी है वी नॉट कॉस थीटा आई एंड वी नॉट साइन थीटा जी, ठीक है. इफ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस देन के पार्टिकल एंटर द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. यहाँ पे पार्टिकल जब जाते आप फेंकते हो तो जब एक्स एक्सिस में जाता है तो यहाँ पे पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड यानी यूँ स्टार्ट हो जाता है. इट मीन्स आप थोड़ा फील करो, अगर ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करोगे तो एट दिस पॉइंट द पार्टिकल विल बी एट द मैक्सिमम हाइट, दिस शुड ऑल्सो रियलाइज एंड जस्ट पास थ्रू द पॉइंट पी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. और इस तरह से ये पी पॉइंट से जस्ट पास होता है, नहीं यहाँ से ये पी पॉइंट से जस्ट पास हो रहा है, ये आपके सीन बन रहा है डायग्राम का, है ना. यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगी सिचुएशन. और अगर मैं इसको हाईएस्ट पॉइंट बोलता हूँ और टोटल रेंज आर है तो आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ये वाला पार्ट भी आर बाई टू होगा और ये वाला पार्ट भी कितना होगा आपके लाइफ में आर बाई टू, ये तो आपको पता ही चल गया होगा. अब अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस पॉइंट को ए ले रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बी ले रहा हूँ और ये तो पी लिखा हुआ है ये लाइफ में, ठीक है, और इसको इन्होंने क्यू लिखा है डायग्राम में, तो मुझे बताओ अगर हॉरिजॉन्टल मोशन में देखूँ मैं टाइम ए से बी जाने में हॉरिजॉन्टली उतना ही लगेगा जितना टाइम ए से क्यू जाने में लगेगा. मैं केवल हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, बिकॉज सेम डिस्टेंस सेम स्पीड तो सेम टाइम. ए से बी का आप देखो टाइम कितना लग रहा है और ए से क्यू तक का टाइम देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग ए से बी तक का टाइम चेक करते हैं कितना लगा. तो व्हाट यू विल से दिस डिस्टेंस इज एल, है ना. तो ए से क्यू का टाइम डिस्टेंस तो हो गई आपकी एल और हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है वी नॉट कॉस थीटा, इसको आपने लिख लिया वी नॉट कॉस थीटा. अब ए टू बी वी ऑल नो वेरी वेल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाई टू यू साइन थीटा बाई जी, और ये मैक्सिमम हाइट पे गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी लगेगी यहाँ पे टी की वैल्यू यू साइन थीटा बाई एक्सेलेशन, टोटल टू यू साइन थीटा बाई एक्सेलेशन होता है तो मैक्सिमम हाइट के लिए हाफ टाइम लगेगा. अब यू साइन थीटा यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, अगर इधर वी नॉट है तो वर्टिकल कंपोनेंट इज रिटन इज द वी नॉट साइन थीटा अपॉन एक्सेलेशन वी ऑल इंटेलिजेंट इट इज गिवन बाई क्यू ई बाई एम, बिकॉज एक्सेलेशन इज फोर्स अपॉन मास. अब मैं यहाँ से एल की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो इट विल बी वी नॉट स्क्वायर देन इट इज साइन थीटा देन इट इज कॉस थीटा अपॉन क्यू ई बाई एम. ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है. और अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी लाइफ में कितना हो गया, एम ऊपर आ जाएगा तो एम वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन क्यू एल. अब वी नॉट स्क्वायर साइन के थीटा अपॉन क्यू एल यानी कोस थीटा हटाना है, कोस थीटा हटाना तो वी ऑल नो वेरी वेल ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी हो गई, एम वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बिकॉज टू साइन थीटा कोस थीटा इज नोन एज साइन टू थीटा अपॉन टू इंटू क्यू इंटू एल. अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जो भी आई है उसको कंपेयर करो तो आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू. वहाँ पे साइन के थीटा है, यहाँ पे साइन टू थीटा है, तो मैं क्या लिखूँगा, के थीटा इक्वल टू टू थीटा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई मेरी टू. ये बात आपको समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पे एल की वैल्यू दे रखी के बाई टू और यहाँ पे एल की वैल्यू वन है तो वो भी सेट हो गया, के की वैल्यू टू पुट करोगे टू बाई टू वन हो गया,
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द के? करेक्ट आंसर इज द वैल्यू ऑफ द के विल बी 2 ओनली.